हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी शरारा कुर्ती कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना एंड पप अटैच करना। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, ये है हमारा अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर वाले कपड़े को हम फोर फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने फोर फोल्ड कर लिया है। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे। निशानों को सीधा कर देंगे। चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो 34 का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। वेस्ट है हमारी 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। हिप है हमारी 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग लेंगे 9 इंच। निशानों को सीधा कर देंगे इस तरह से। डेढ़ इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ से भी निशानों को मिला देंगे। जितना हमने हिप पे लिया है उतना ही नीचे लेंगे, यहाँ से भी निशानों को मिला देंगे। बैक पार्ट की आर्म होल की शेप देंगे 1.5 इंच पे इस तरह से। फ्रंट पार्ट की 1 इंच पे देंगे आर्म होल की शेप। इस तरह से नेक विड्थ लेंगे 3 इंच, लेंथ भी 3 इंच लेंगे। एक बॉक्स सा बना लेंगे यहाँ पे और राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से कट कर देंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे यहाँ पर। आर्म होल की शेप भी दे देंगे। बैक पार्ट के गले का निशान लगाएंगे। 3 इंच लेंथ, 3 इंच विड्थ लेनी है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। यहाँ पे 10 इंच लेना है, यहाँ पे 3.5 इंच लेना है। एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। यहाँ पर हम शेप दे देंगे। दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। निशानों को डार्क कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक की कटिंग में मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो इसकी लेंथ, फुल लेंथ लेनी है हमें 35 इंच। तैयार लेंथ हमें लेनी है 33 इंच। इसको कट कर देंगे।
यहाँ तक तो आपका टेस्ट करेंगे तो उसके लिए निशान लगाएंगे, 10 इंच पे टक्स पॉइंट लेंगे इस तरह से, एक क्रॉस का निशान बना देंगे, यहाँ पे पेंसिल कट की शेप दे देंगे, यहाँ पे पप लगाने के लिए क्रॉस का निशान लगाएंगे, हमें पप अटैच करना है यहाँ पे इस तरह से, हम दोनों तरफ इसकी निशान लगा लेंगे। कपड़े भी ऐसा ही निशान लगाएंगे जैसा हमने कपड़े पे लगाया है क्रॉस वाला। यहाँ पे इस तरह से कप को अटैच करेंगे, यहाँ पे भी हम पेंसिल कट की शेप दे देंगे, यहाँ पे हम प्लेट से डालेंगे, जैसे हमने अस्तर वाले कपड़े पे निशान लगाया था उसी तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे मेन फैब्रिक पे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे गले की सिलाई लगा लेंगे, हमने कट कर देंगे इसको गले को। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इसको, इसको पलट लेंगे, इसके कॉर्नर निकाल लेंगे हम अच्छी तरह से कैंची की मदद से। इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे इसी तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे यहाँ से, गले गले की सिलाई लगा लेंगे, नेक कट कर देंगे इसको, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे यहाँ पे। इसको पलट लेंगे, इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, अब यहाँ पे कप अटैच करेंगे, हमें सुई से टक करना है पहले, यहाँ से सुई से कट टक कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, सिलाई हमारी लग चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कप अटैच हुआ है। अब दूसरा भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच की प्लेट से डालेंगे, पहले हम पिन से सेट कर लेंगे इसको, इसको इसी तरह से हम दोनों तरफ प्लेट्स डाल लेंगे, प्लेट हमारी डल चुके हैं।
अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर शोल्डर की पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ से हम चाक फोल्ड करेंगे इस तरह से। सूट हमारा तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।